सबसे हाईएस्ट जो डिग्री होती है दुनिया की तालीम की, जिसे कहते हैं कि भाई जो पढ़ लिख के बैचलर हुआ, फिर मास्टर्स हुआ, फिर उसके बाद डॉक्टरेट की डिग्री मिल गई, तो कहा भी जाए किसी के नाम के साथ कि ये फला शख्स डॉक्टर है, फिर भी ये तारुफ इसे शनाख्त नहीं बनता, क्योंकि पता नहीं चलता है कि अगर डॉक्टर है तो इंसानों का डॉक्टर है कि जानवरों का डॉक्टर है कि पागलों का डॉक्टर है या पीएचडी डॉक्टर है, जब तक कि उसके बारे में और भी इंक्वायरी ना की जाए। और कुछ शख्सियात ऐसी होती हैं कि जो खुद अपने जात में अपना मुकम्मल तारुफ होती हैं। आज जिस शख्सियत की शहादत की मजलिस से आप हजरात मुस्तफिज हो रहे हैं, ये शख्सियत भी एक ऐसी ही शख्सियत है कि अगर इनका नाम भी अगर ले लिया जाए, इनके अलकाब पे भी अगर गौर कर लिया जाए, तो इनके नाम और अलकाब बता दे खुद अपनी जगह एक सीरत, एक किरदार हमें बताती है। और ये चीज जिसे आपने इतनी आसानी से सुन लिया है, लेकिन दर हकीकत अगर ये गुस्ताखी में ना महदूर किया जाए, तो मैं ये कहूं कि ये चीज तो कई इमामों को भी नहीं मिली। मोहम्मद इब्ने अली, पता नहीं चलता है कि ये किस मोहम्मद जो अली का बेटा है उसकी बात हो रही है। इंसान सोचने पे मजबूर हो जाता है कि भाई किस इमाम की बात कर रहे हो तुम। अली, अली कौन? पहले इमाम, चौथे इमाम, आठवें इमाम, दसवें इमाम, किस इमाम अली की बात हो रही है? अगर फकत नाम लिया जाए, लेकिन बीबी ज़ैनब वो है कि अगर ये कह दिया जाए कि ये ज़ैनब है, ये बजाते खुद एक किरदार बता रही है कि ये वो खातून है कि जो अपने बाप की जीनत है। इनकार नहीं है इस बात से कि खातून ने जन्नत, कायनात की औरतों की सरदार है। क्या मकाम है, क्या मर्तबा है फातिमा जहरा का, लेकिन उसके बावजूद भी जहरा की तो एक सानी है, सानी है जहरा ज़ैनब, लेकिन ज़ैनब की कोई सानी नहीं मिलेगी आपको। ये वो शख्सियत है कि अगर नाना को देखा जाए तो रहमतुल आलमीन से रहमत लेती है, बाप को अगर देखा जाए तो वलियों का वली, वलियों का सुल्तान, उनसे विलायत लेती है, मां को देखा जाए तो मासूमा से उनकी इस्मत लेती है, भाइयों को अगर देखा जाए तो हसन और हुसैन का इल्म इमामत लेती है, अब्बास को देखा जाए तो जुर्रत और शुजात और हिम्मत लेती है। क्यों ना हो, क्यों ना हो, ये उस गोदे रिसालत और इमामत और इस्मत की पली हुई है कि जिस गोद में जो है वो पलके बंदा एक इमाम सैयदुल जनान बन जाता है। अब इनके अलकाब भी देखें, क्या किया इन्होंने जिंदगी में, सिर्फ एक लकब देख लीजिए, शरीकतुल हुसैन। यानी अगर हुसैन को अगर कोई पहचान ले तो ज़ैनब के तारुफ की अलग से जरूरत नहीं पड़ती है। जो कुछ भी हुसैन ने किया है, अगर हुसैन दीन पना है तो ज़ैनब दीन पना है, अगर हुसैन बिना ला इला है तो ज़ैनब बिना ला इला है, बल्कि अगर मैं ये कहूं तो शायद भेजा ना होगा कि हुसैन खुद भी मोहताज है अपने पैगाम को फैलाने के लिए ज़ैनब के। दुनिया का दीन पना हुसैन है, लेकिन हुसैन का दीन पना ज़ैनब है। ये वो खातून है कि जिनके लिए उस जमाने के इमाम ने ये कह दिया, अंते आलिमतो गैर मुअल्लिमा। कितनी मरतबा सुना है ये लफ्ज आपने, शायद ही कोई ऐसा खतीब मेंबर पाया होगा जिसने ये ना पढ़ा हो। और बचपन से जो मजलिस से अटेंड करने के शौकीन और आदि हैं, उन्होंने तो सैकड़ों मर्तबा ये सुना है, लेकिन अभी इस चीज के ऊपर भी आप यह गौर करें कि यह लकब या यह खिताब ये दे कौन रहा है कि जो कुल इल्म है वो दे रहा है, जो वक्त का इमाम है
वो बोल रहा है। और क्या कहा? देखिए इल्म आज की इस मुख्तसर सी नशिस्त में, यूं तो सीरत सानिये जहरा इसके इतने मुख्तलिफ पहलू हैं कि ये महावरतन नहीं बल्कि हकीकतन हर पहलू पे गुफ्तगू करने का वक्त ही नहीं है, और कितनी ही कोशिश की जाए बड़ा मुश्किल है कि इहाता है तहरीर में बीबी की सीरत को या किसी तकरीर के हिसार में इनकी सीरत के पहलुओं को मुकय्यद किया जा सके। बल्कि अगर किसी एक सिफत को भी लिया जाए तो भी उसके कुछ चीजों पे हम गुफ्तगू करने की कोशिश कर सकते हैं। और आज ही मेरी तकरीर का उन्वान भी यही है, इल्म ज़ैनब, ज़ैनब का इल्म। ये मौजू मैंने क्यों चुना मेरे दोस्तों? बात यह है कि ये वो खानदान है कि जिसमें हर शख्स अपनी जगह आलिम है, लेकिन इस खानदान के मर्दों या बच्चों तक का भी इल्म बाहर आ जाता है। मस्जिदों में खुतबे दिए, बच्चे बाहर घूम रहे हैं, दोस्तों से बात हो रही है, लोगों से बात हो रही है, कोई मसले पूछ रहा है, तो इल्म तो सामने किसी न किसी हवाले से आ जाता है। लेकिन ये खानदान की औरतें जो हैं कि जो इतने हिजाब के पर्दों में, यानी हिजाब और पर्दा एक ही चीज है, लेकिन ये एक इस्तेआरा है कि इतने हिजाब के पर्दों में रहते हुए इनकी सिफात का और खास तौर से इनकी सिफत इल्म कभी भी आम लोगों तक नहीं पहुंच सकती। अब उसमें किसी खातून के इल्म के बारे में बात करना दुनिया का सबसे मुश्किल तरीन अम्र है, और ये कभी आ नहीं सकता। बीबी ज़ैनब वो बीबी हैं कि जिनकी जितने भी फजाइल हैं या जो इनका किरदार है, इनकी जो खूबियां हैं, उनके हिजाब की वजह से कभी भी सामने नहीं आ सकती। जिस तरह से इनकी मां की जितनी भी सिफात थी वो कभी भी सामने आ ना सकी। लेकिन पैगंबर इस्लाम की एक हदीस अगर आपके जहन में हो, इसी मिंबर से आपके सामने मैंने अर्ज किया था, जब सीरत फातिमा पे गुफ्तगू हो रही थी तो मैंने कहा था कि पैगंबर इस्लाम ने एक हदीस कही और इस एक हदीस से पूरी सीरत फातिमा लोगों के सामने आश्कार कर दी कि अगर अली ना होते तो मेरी बेटी फातिमा को कोई कुफू ना होता। यानी ये कुफू यानी उसके बराबर की हैसियत का कोई नहीं होता, कोई इसके काबिल ना होता। तो अगर अली बाबे मदीनतुल इल्म है, शहर इल्म के अगर दरवाजे हैं, तो समझ लीजिए कि अगर फातिमा के कुफू है तो फातिमा के पास भी इतना ही इल्म तो होना चाहिए, अगर ज्यादा नहीं तो। अगर अली शुजा है, चाहे वो मैदान खंदक हो चाहे मैदान उहद हो, तो यही शुजात फातिमा में भी मौजूद है। लेकिन हर चीज आ भी जाती लेकिन इल्म सामने नहीं आता। लेकिन इनका इल्म तो फिर भी आ गया। बीबी ज़ैनब के जितने भी फजाइल हैं, चूंकि जब भी जिक्र आता है पाक बीबी का, तो ये दो चीजों में, एक तो हिजाब जो कि खानदान जो इनकी सीरत और किरदार की एक पहचान है, मैं उन हिजाबों की बात नहीं कर रहा हूं, एक और हिजाब एक्स्ट्रा बीबी के फजाइल पे आ जाता है, और वो हिजाब है हिजाब मसाहिब। क्योंकि ज़ैनब का जिक्र हो और करबला ना हो तो ये किरदार ज़ैनब मुकम्मल नहीं हो सकता। और मसाइब की वजह से इनके जो फजाइल हैं वो कभी आम लोगों में बयान किए भी नहीं जाते, और अगर कोई करने की कोशिश करता भी है तो जो दिलों में मोहब्बत अहले बैत है
उसकी वजह से इंसान का दिल इतना भर जाता है कि उसकी तवज्जो मसाइब की तरफ तो जाती है, फजीलत की तरफ कम हो जाती है। वरना फकत यही इस जुमले को अगर आप देख लें कि जो इमाम सज्जाद ने कहा था कि आप आलिमा हैं गैर मौलिमा, यानी इल्म की उस आखिरी हद की या जो डिग्री कहा जाता है उसका सर्टिफिकेशन इमाम वक्त दे रहा है, लेकिन साथ साथ ये भी बता रहा है कि आप गैर मुअल्लिमा हैं। इल्म आता है दो जरियों से, या तो इल्म लिया जाता है किसी के जरिए, किसी से हासिल किया जाता है, तहसील इल्म होता है, चाहे इंसान स्कूल में जाए, कॉलेज में जाए, यूनिवर्सिटी में जाए, प्राइवेट किसी टीचर से पढ़े, घर के अंदर मां बाप से तहसील इल्म होता है जिसे इल्म कस्ब किया जाता है, या दूसरा इल्म वो है कि वो इल्म के जो अंबिया को दिया जाता है, जो पैगंबरों को दिया जाता है, जो औलियाओं को दिया जाता है, और वो इल्म होता है वही के जरिए जब खुदाबंद आलम इल्म जो है वो होता है। आपकी तवज्जो मेरे साथ अगर है तो आप लुत्फ रहेंगे इस बात से। ज़ैनब नबी नहीं है, ज़ैनब पैगंबर भी नहीं है, ज़ैनब इमाम भी नहीं है, पढ़ा किसी से नहीं है, इमाम वक्त है कि जो सच्चा इमाम है बोल रहा है कि तुम्हारा मौलिम कोई नहीं है। तो फकत अब एक ही जरिया बनता है, और वो जरिया यह है कि खुदावंद आलम ने जिस तरह अंबिया पे वही की है, इसी तरह से ज़ैनब पे भी खुदा की वही नाज़िल होती है। दुरूद भेजिए मोहम्मद। एक बात याद आ गई है आपके साथ शेयर कर लूं, इस पर मैं गुफ्तगू नहीं करूंगा, इस गुफ्तगु के लिए कम से कम मुझे एक घंटा चाहिए होगा, क्योंकि इस फजीलत में गुफ्तगु का लुत्फ भी और है, और अगर मैंने डिटेल में अगर मैंने पढ़ लिया या बल्कि नहीं पढ़ा तो एक तशनगी रह जाएगी, लेकिन एक फूड ऑफ थॉट के तौर पे आपके हवाले कर रहा हूं। 27 को मेराज और बैसत की जो है वो बात होगी इंशाल्लाह, आप जहां पे भी होंगे तो आपको मालूम है और आपने सुना है खुतबा से कि जब पैगंबर इस्लाम गए थे मेराज पे और वहां पे खुदावंद आलम ने जो गुफ्तगू की थी, तो अक्सर ये सवाल उठता है कि अगर गुफ्तगू की थी तो किस लहजे में की थी, और उलमा जो है वो मुख्तलिफ हवालों से इस बात को बताते हैं कि वो लहजा अली का लहजा था, आपने सुना हुआ है। बस इस चीज को याद रखें, और फिर साथ अपने सईद का उस जुमले पे आप गौर कीजिए कि जब कूफे की फजाओं में जब ज़ैनब का खुतबा नशर हो रहा था तो उस वक्त उसने कहा था कि आज मुझे लगता है कि अली कूफे में वापस आ गए हैं, तो किसी ने कहा कि तुम ये कैसे कह सकते हो, कहा कि आज मैं उस लहजे को सुन रहा हूं कि जो अली का लहजा है, और मेराज में ये कहा जाता है कि अली का लहजा खुदा का लहजा है, तो क्या मैं अगर ये कहूं तो क्या ये फजीलत ज़ैनब से कुछ कम हो जाएगी कि आज अली के लहजे में नहीं बल्कि ज़ैनब खुदा के लहजे में कूफे में बात कर रही है। दुरूद भेजिए मोहम्मद। ये घराना इल्म दोस्त घराना है, यहां पे जहालत का कोई गुजर हो नहीं सकता है। वो और लोग हैं कि जहां पे अबू जहल पाए जाते हैं, ये वो घराना है कि जहां पे जो खानदान का सरबरा है वो शहर इल्म होता है, और इनका बाबा है वो बाबे शहर इल्म होता है। तो अगर ये आलिमा या गैर मौलिमा हो तो फिर ताज्जुब की कोई बात रहती नहीं है। और इल्म मेरे एक जुमले को बस याद रखिएगा, ये जुमला उन्वान बनेगा मेरी अगली किसी ऐसी तकरीर का कि जो किसी शख्सियत की हवाले से नहीं होगी विलादत या इमामत के, इल्म ही के हवाले से जो है वो काफी अरसे से आपके सामने कुछ बातें करनी थी, लेकिन ये उन्वान बन जाएगा। इसको याद रखिए कि इल्म ही बुनियाद होती है अमल की भी और अखलाक की भी। जहां पे इल्म नहीं है वहां पे फिर अमल भी नहीं होगा। यही तो अक्सर लोग जो कहते हैं ना, जो नावाकिफ किस्म के जाहिल जहन होते हैं कि भाई मसले मसाइल ना सीखो,
क्योंकि अगर मालूम कर लिया तो फिर अमल करना पड़ेगा। यानी इतना तो एक बेवकूफ भी मानता है कि अमल के लिए इल्म शर्त होता है, और अखलाक वो भी उसकी बुनियाद भी इल्म है। अगर इल्म नहीं है तो इस शख्स के पास फिर कभी अखलाक भी नहीं होगा। बहुत ही एक अच्छी बात कही थी, किसी किताब में पढ़ी थी मैंने, मजहबी किताब नहीं थी, लेकिन बहुत अच्छे तरीके से उसने बताया था कि अगर तुम किसी में देखो कि उसमें अखलाक है तो उसको एक नंबर दे दो। किसी में अगर देखो कि अखलाक दिखता है तो उसको एक नंबर दे दो, और अगर तुम्हें उसमें कोई खूबसूरती और हुस्न भी दिखे तो उसको 10 गुना ज्यादा नंबर दे दो, यानी 1 0 और बढ़ा दो उसके आगे। और अगर उसके साथ अगर अखलाक भी है, हुस्न भी है, दौलत भी है, तो और 10 गुना ज्यादा नंबर दो, एक और 0 आगे कर दो, 100 नंबर दो उसे। अगर उसके अंदर अखलाक भी है, हुस्न भी है, दौलत भी है और शोहरत भी अगर मिल जाती है तो और उसको 10 गुना ज्यादा कर दो, उसको 1000 नंबर दे दो। लेकिन अगर उसमें से अगर अखलाक ना हो तो अखलाक का वो एक निकाल दो तो बाकी सिर्फ 3 0 ही बचेंगे। यानी दौलत भी हो, हुस्न भी हो, मशहूर भी हो, लेकिन अगर अखलाक नहीं है तो हर चीज 0 है, बेकार है। तो इंशाल्लाह इस पर हम बात करेंगे। लेकिन जो नुक्ता जो मैं आपके सामने बयान करने की जो मैं कोशिश कर रहा था वो ये कि इल्म ही की बुनियाद पे जो ये कहा था ना, वक्त आखिर जब इमाम सज्जाद के पास जब आई थी ज़ैनब, तो ये वो बीवी कह रही है कि जो आलिमा है, टीचर नहीं द टीचर, और वो आके जो पूछ रही है, जो बात कर रही है, वो क्या बात है? बेटा सज्जाद उठो, खेमों में आग लग गई है, तुमसे एक मसला पूछना है, क्या जान बचा के निकल जाए या खेमों में जल के मर जाए? ये तो अगर किसी बच्चे को भी अगर पूछा जाए तो वो भी बता देगा कि जान का बचाना वाजिब है हर हाल में। कोई स्विमिंग पूल में डूब रहा है तो कोई पूछने नहीं आएगा बच्चा, अब्बा मैं इसे बचाऊं कि क्या करूं? ऑब्वियस बात है, बचाओ अपनी जान को। बल्कि ये तो मसले की भी बात नहीं, ये तो जिबिल्लत की बात है, जिसे कहते हैं ना बेसिक इंस्टिंक्ट, ये इंस्टिंक्ट की बात है कि जो है वो सर्वाइवल, इज अ बेसिक इंस्टिंक्ट, अपनी जान को बचाओ। और यहां पर वो कि जैसे इमाम खिताब दे रहे हैं आलिमा का, हम जब भी ये बात करते हैं तो मसाइल में लोग रोना शुरू करते थे, लेकिन ये फजीलत का जो है वो नुक्ता आप देखिए कि बीबी आके वो मसला पूछ रही है जो बच्चे बच्चे को मालूम होता है, जो बेसिक यानी जिसके लिए दीन इस्लाम की भी शर्त नहीं है, और आके पूछी के बेटा तुम बताओ। ये दरअसल ज़ैनब इमाम सज्जाद से मसला नहीं पूछ रही है, बल्कि तारुफ इमाम करवा रही है। यानी आप ये देखें कि पैगंबर इस्लाम जब आए थे इस दुनिया में और पैगाम रिसालत दिया था, तो हर तरफ जो है वो एक शोर मच गया था, शोहरत हो गई थी कि एक नाया है शख्स मक्के में कि जो दावा नबूवत कह रहा है और कह रहा है कि मुझ पे खुदा ने किताब नाजिल की है, सब लोगों को मालूम है ये नबी है, आखिर जमा है। गदीर में 1,24,000 हाजियों और सहाबियों के सामने ऐलान कर रहे हैं विलायत का कि देखो जिसका मैं मौला हूं उसका ये अली मौला है, सबको मालूम है अली मौला। अली ने जाहिरी खिलाफत ले ली, अपने बाद हसन से कहा कि हसन मेरे बाद खलीफा है, खलीफा वक्त मशहूर हो जाता है आलम इस्लाम में, सबको मालूम है कि हसन खलीफा है, वो एक अलग बात है जो माविया की चाल थी। हुसैन मशहूर है करबला के हवाले से, सबको मालूम है कि जब हसन चले गए तो हसन ने अपने शहादत के बाद हुसैन को सारे फराइज इमामत और रुमूज इमामत सौंप के हुए निकले। सबको मालूम है कि हसन के बाद अब हुसैन इमाम है। लेकिन यहां पे न मदीना है न कूफा है, करबला आज के हवाले से न देखें, 1400 साल पहले करबला क्या थी,
फरात था, कुछ खेमे लगे हुए हैं, रेत ही रेत थी, किसको मालूम, हुसैन तो हो गए शहीद, अब किसको मालूम कि हुसैन के बाद अब वक्त का इमाम होगा कौन। ये ज़ैनब आके कह रही है शाना हिलाते हुए, सज्जाद तुम इमाम वक्त हो, तारुफ दे दिया, सज्जाद तुम इमाम वक्त हो, बताओ कि हम क्या करें। ये तारुफ इमामत जो ज़ैनब ने कराया है, अगर आप इसे अगर आप जो है वो पहचान ले तो ज़ैनब का एक एहसान है इमामत के ऊपर, कि ज़ैनब इमामत का तारुफ करवा रही है यहां पे। अब ये एक अलग बात है कि इमाम अपने ऊपर किसी का एहसान या नहीं रखता है फेवर, और जब यजीद ने ये ऐलान किया बुला के सज्जाद को कि मैं ये चाहता हूं कि आपको रिहा करूं, तो वक्त का इमाम यह कहता है कि मैं पहले अपनी फूफी से मशवरा करूंगा, यानी बता दिया कि मैं इमाम हूं, कुदरत रखता हूं, फैसलों में किसी से पूछने का मजाल नहीं हूं, लेकिन उसके बावजूद भी मैं पूछूंगा अपनी फूफी ज़ैनब से, कल उसने मुझे मुतारिफ कराया था कि मैं इमाम हूं, आज मैं उसका तारुफ करा रहा हूं कि तुम्हें पता चले और दुनिया पहचान ले कि ज़ैनब कौन है कि जिसके मशवरे के लिए आज इमामत जो है वो सामने जा रही। दुरूद भेज मोहम्मद। ज़ैनब इल्म की उस बैराज पे पहुंची हुई कि जहां उसे जरूरत नहीं है कि किसी से कुछ सीखे। ये वो है ज़ैनब कि कर्बला से पहले भी कूफे में औरतों के और लड़कियों के दर्स लिया करते हैं। ये वो ही ज़ैनब है कि जो कर्बला में जिसके खुतबे चाहे वो कूफे का बाजार हो या शाम का दरबार हो, वो खुतबे आज भी अपनी जगह एक मारकतुल आरा तकारीर है कि जो न सिर्फ ये कि मसाइब कर्बला बयान करती हैं, लेकिन इसमें नहजुल बलागा की खालिक की जो बेटी है उसकी बलागत भी जाहिर होती है। ये वही बीबी है कि जिन्होंने जब बचपन था और पैगंबर इस्लाम पंजतन पाक को सामने बिठा के जब बयान कर रहे थे महजरनामा कर्बला का, के सामने अली भी बैठे हैं, फातिमा भी तशरीफ फरमा है, हसन हुसैन भी है, ज़ैनब उम्मे कुलसूम भी है, और जब जिब्राइल आए थे और आके खबर दी थी कर्बला के वाकियात की, तो अल्लाह के आखिरी नबी ने यही तो कहा था कि हुसैन जिब्राइल ने आके जो मुझे खबर दी है कि एक वक्त आएगा कि तुझे सहरा में भूखा प्यासा तुझे शहीद किया जाएगा। कहा नाना अगर खुदा को यह मंजूर है तो आप मुझे साबरीन में से पाएंगे, मैं सबर करूंगा, मुझे मंजूर है। हुसैन दीन की बका के लिए अपने जवान बेटे के सीने से बर्शी का फल भी निकालना पड़ेगा। कहा नाना मंजूर है मुझे। हुसैन 6 महीने के बच्चे के गले में तीर लगेगा तब तेरा क्या आलम होगा। कहा नाना सब्र करूंगा, आप साबिरीन में से मुझे पाएंगे। हुसैन तेरे सूखे गले पे खंजर चलेगा। कहा कोई बात नहीं नाना, मैं हाजिर हूं। दीन खुदा की बका के लिए अगर हुसैन का गले पे खंजर भी चलता है तो शिकायत का एक लफ्ज भी आप मेरी जबान से न सुनेंगे। अचानक पैगंबर इस्लाम की आवाज भर्रा गई और कहा कि हुसैन तेरी शहादत के बाद तेरी बहनों के सरों से रिदाएं छीनी जाएंगी, बेमखलों चादर उन्हें बाजारों में दरबारों में घुमाया जाएगा। अब हुसैन कुछ नहीं कह रहे हैं कि हाँ नाना मंजूर है, मैं सब्र करूंगा, मुझे कबूल है। पैगंबर इस्लाम ने फिर से कहा कि हुसैन तेरी बहनों की तशहीर होगी
कुफो शाम में हुसैन कुछ नहीं कह रहे हैं कि एक बच्ची 4-5 साल उठती है और आगे कहती है मेरे माँ जाए क्यों खामोश हो गया है, मैं तेरी शरीक हूं ना, शरीकतुल हुसैन हूं मैं, कहते लाना मंजूर है। ये वही ज़ैनब है। अगर आप हिसाब लगाएं ना तो कर्बला से ये बात जब गई थी ये कूफा और शाम में और जिंदान में और वापस जो आई है तो कम से कम तकरीबन 14 महीने का हिसाब किताब बनता है। और जब वापस आई है मदीने में और ये खबर मिली लोगों को कि अहले बैत के घराने वाले आए हैं मदीने में, तो जहां बहुत सारे दूसरे लोग आए थे मिलने के लिए, वहां पे अब्दुल्लाह इब्न जाफर वो भी तशरीफ लाए थे। और तारीख एक अजीब बात लिखती है कि कोई 14 महीने ही हुए थे, कोई इतना ज्यादा वक्त नहीं गुजरा था, लेकिन अब्दुल्लाह जब आते हैं काफले के पास और काफले के चारों तरफ घूम के 4 मर्तबा चक्कर लगा के किसी को देखने तलाश करने की कोशिश कर रहे हैं, ज़ैनब पहचानती है, जब करीब से गुजर रहे थे तो आवाज देती है अब्दुल्लाह किसे ढूंढ रहे हो, कहा मैं ज़ैनब बिन्त अली को ढूंढ रहा हूं। तो अब्दुल्लाह ज़ैनब तेरे सामने खड़ी है और तू ज़ैनब को पहचान नहीं रहा है। अब्दुल्लाह ने देखा ज़ैनब को, कमर झुकी हुई है, बाल सफेद हो चुके हैं, नईफ नजार, बिल्कुल दुबला पतला जिस्म। कहा नहीं, तुम ज़ैनब नहीं हो सकती, ये झुकी हुई कमर। कहा अब्दुल्लाह जब अब्बास की शाने कटे थे तो जहां हुसैन की कमर टूटी थी वहां ज़ैनब की कमर भी झुक गई। कहा बीबी ये सफेद बाल, कहा ये बाल सफेद क्यों ना हो कि जिसने तिल्ले के ऊपर खड़े होके अपने मां जाए के गले पे खंजर चलते हुए देखा था, तो ये बाल सफेद कैसे ना होंगे। तो कहा कि फिर इतनी कमजोरी, इतनी ज़ईफ़ी। कहा अब्दुल्लाह जिंदान में आबो दाना बड़ा कम मिला करता था, इतना कम मिला करता था कि हम खाना पीना बच्चों को दे दिया करते थे। आपने कितनी मर्तबा सुना होगा इस बात को, देखिए किस तरीके से पैगाम है हुसैन और याद हुसैन ज़ैनब मना रही है एक अलग अंदाज से आज मसाइब में। और सुनिए कितनी मर्तबा आपने सुना है कि इमाम सज्जाद कह रहे हैं फूफी अम्मा आज आप नमाज शब बैठ के क्यों पढ़ रही है, यानी वो ज़ैनब कि जिसने कर्बला में रोजे आशूर जब चारों तरफ घर वालों के लाशें हैं उसके बावजूद बैठ के नमाज नहीं पढ़ी है, खड़े होकर नमाज पढ़ी है। इतनी हिम्मत वाली शेर दिल अली की बेटी थी। लोग कहते हैं कि पता नहीं रजब में है इनकी शहादत, सफर में है, ज़िलहज में है। मैं तारीखों के हवाले नहीं पढ़ना चाह रहा हूं, ना मुझे इस बहस में उलझना है, ना उसका कोई वक्त है ना मौका है, लेकिन ये तारीखें लोगों की एक बनाई हुई है। जब मैं कर्बला के मसाइब और मक्तल को पढ़ता हूं तो ज़ैनब फकत उस रोजे आशूर कम अज कम 10 मरतबा मरी है। जब अली अकबर का लाशा आया था ना खैमे में, ज़ैनब वहीं पे मर गई थी। जब अली असगर का गला देखा था ना छिदा हुआ, ज़ैनब वहीं मर गई थी। जब औन मोहम्मद के लाशे आए थे, ज़ैनब ने देखा था मर गई थी। कासिम का जब पामाल लाशा कपड़े में लपेट के हुसैन खैमे में लाए थे, ज़ैनब मर गई थी। अरे जब अब्बास के शाने कटे थे, ज़ैनब मर गई थी। और अगर थोड़े बहुत अगर जान बाकी थी भी तो जब सर से चादर छीनी थी ना उसरे आशूर, ज़ैनब उसी वक्त ही मर चुकी थी। लेकिन उसके बावजूद भी कितनी मर्तबा बेहोश हुई है पूरे दिन में, लेकिन शाम गरीबा में आप देखेंगे कि ज़ैनब टूटा हुआ नेजा लेके भी अपनी जगह मजबूती से खड़ी हुई है। क्यों? कि जाते हुए हुसैन कह के गए थे, ज़ैनब
मैं जा रहा हूं। जब रुखसत आखिर के लिए आए थे तो कहा ज़ैनब मैं जा रहा हूं, अब इस काफले की निगहबान तुम हो। और देखो ज़ैनब कभी भी मुझे नमाज शब में ना फरामोश करना। तो ज़ैनब ने पूरी जिंदगी, जो एक इंसान कहता है ना कि ज़ैनब अखिल नमाज शब सुन्नत ही तो है, नमाज वाजिब तो है नहीं, छोड़ तो सकते थे, चलो एक दिन छोड़ देती, लेकिन खुद इमाम सज्जाद ये कहते हैं कि मेरी फूफी की कभी नमाज शब तक कजा नहीं हुई। तो ख्याल एक आता है कि ज़ैनब आखिर नमाज शब की इतनी पाबंद हो क्यों गई थी। तो ले दे के फकत एक ही तौजीह समझ में आती है कि जाते हुए हुसैन ये कह के गए थे कि ज़ैनब नमाज शब में मुझे ना भुलाना, तो ये ज़ैनब ये नमाज शब नहीं पढ़ रही है, याद हुसैन मना रही है, अदादारी की बुनियाद रख रही है। अदादारी के वक्त नमाज शब जब पढ़ो तो ये समझ के पढ़ो कि तुम नमाज शब नहीं पढ़ रहे हो, बल्कि हुसैन को और जिक्र हुसैन को जिंदा रखने के लिए ज़ैनब की सुन्नत पे अमल कर रहे हो। जब तमाम लोगों से मिलके और अब्दुल्ला से गुफ्तगू करके ज़ैनब जब पहुंची है रोज़े रसूल पे, तो बस अब ज़ैनब के फकत एक ही बैन है, नाना या आपकी उम्मत, आपकी उम्मत ने हमें इस तरह से सताया, नाना मेरे बाजुओं पे रस्सी बांध दी गई, नाना मुझे एक कनीजों की तरह मुझे घसीट घसीट के बाजार कूफा और बाजार शाम से लेके जाया गया है, नाना आपका नवासा शहीद हो गया। सब बैंक करने के बाद फिर जाती है ज़ैनब बकी की तरफ। कहते हैं कि इंसान अपनी माँ से बहुत ही करीब होता है और बेटियां भी बहुत करीब होती हैं। माँ की कब्र से लिपट के कहती है अम्मा, अरे जो भी करबला की ज़ियारत से आता है तो कोई ना कोई तोहफा लेके आता है, अम्मा मैं तेरा वो कुर्ता लेके आए हूं कि जिसे तूने सिया था और तूने कहा था कि ये कुर्ता हुसैन को वक्त आखिर मेरी तरफ से देना ज़ैनब, ये ले खून भरा कुर्ता, ये तबरुक है करबला का और तेरे हुसैन की निशानी है। तो सयालम الذिना ظلموا ايام قلبي ينقلبون على لعنه الله على قوم الظالمين। बार इलाह वास्ता महमद और आल महमद का हमारे इस कलील इबादत को कबूल फरमा। जो बेरोजगार है उनके रिस्क हलाल अता फरमा। जो बे औलाद है उनको औलाद सालेह अता फरमा। जो कर्जदार है उन्हें कर्जों के बोझ से निजात अता फरमा। और साजिल फरमा ज़ुहूर कायम आल महमद में और हमें उनके ऐवान और अंसार में शामिल फरमा। मातम ज़ैनब।